इकाई 5 धरती को महकाए कविता। नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषयांक धरती को महकाए इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल सूरज दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि हम सब देखते हैं कि प्रकृति के तत्व फूल है, सूरज है, दीपक आदि की बात इस काव्य में की गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। जब आप हम बाग बगीचे में जाकर फूल देखते हैं तो फूल हमेशा कैसा है, फूल खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है। सूरज तो हम देखते हैं कि रोज सुबह में सूरज अपना प्रकाश इस धरती पर फैलाने का कार्य करता है। दीपक यानी कि दीवो, खुद जलकर हम दीवा करते हैं कि दीपक करते हैं कि खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। एक कमरे में, एक कोने में दीपक जलाया है तो इस कमरे में इसका जगत रोशनी देने का काम वह दीपक करता है। इसलिए इस कविता में किया गया है कि किसी भी परिस्थिति आप पर आए, आप किसी भी परिस्थिति में हो, प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और इस यह धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कविता में इसकी बात की गई है। तो इस कविता में वीडियो से इस कविता को सुनकर इसकी विस्तृत माहिती प्रदान करेंगे। बाल दोस्तों, चलो आज हम एक नई कविता सुनेंगे जिसका नाम है धरती को महकाएं। तो आइए ध्यान से सुनिए। बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज दरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है।
जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी, मजा आया होगा। चलो अब आप भी मेरे साथ साथ कविता का गान कीजिए। बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज दरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। समझूती, बाग के फूलों को देखो, वे हमेशा खुश रहते हैं। आंधी आए या भारी बारिश हो, वे इनको हंसते हुए सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। समझूती, तुम सूरज की किरणों को भी देखो, वे हर रोज धरती पर आती है, अंधकार को दूर कर सारी दुनिया में उजाला फैलाती है। दीपक को देखो कैसे यह हर दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। समझूती, आप दीपक को भी देखो, वह हरदम जलता रहता है, जब तक उसमें तेल रहता है वह खुद को जलाकर भी दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। समझूती, आओ हम सब भी मानव बनकर दुनिया में हमारा नाम ऊंचा करे, अच्छे और नेक काम करके सारी धरती को मानवता की खुशबू से सुगंधित करे। अच्छा लगा ये वीडियो, इसकी विस्तृत माहिती आपको मिल गई है। माहिती कैसी थी? तो इस धरती पर किस किस की बात वहां कही गई है उसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की। तो इस कार्य यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो इस कार्य के थोड़ा यदि अभ्यास के लिए इस पेज नंबर है 33, पेज नंबर अभ्यास के लिए स्वाध्याय दी गई है, वह स्वाध्याय आपकी नोटबुक में लिखकर तैयार कीजिए।
बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी और समूह गान भी किया, तो चलो अब आप खुद गान करो। अब